वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें आर्ट एंड कल्चर में चोलकालीन स्थापत्य कला को देखना है। इससे पहले हमने पल्लव वंश के बारे में जाना था, पल्लव के जो मंदिर निर्माण शैली थी उसके बारे में जाना था। तो ये जो चोलकालीन स्थापत्य कला है, इसमें न सिर्फ हम स्थापत्य को देखेंगे बल्कि इनके मूर्ति निर्माण शैली और चित्रकला को भी विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चोलकालीन स्थापत्य कला। आपको पता है कि जो चोल वंश के शासक थे, दरअसल पल्लवों के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। यानी कि पल्लव वंश के अंत होने के बाद किसने दक्षिण भारत के जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र हैं उसमें राज किया? चोल वंशों ने। तो इसलिए ये पल्लव वंश के उत्तराधिकारी तो हैं। तो जो पल्लव वंश के यानी कि जो पल्लव वंश के शासकों ने जिन मंदिर निर्माण शैली की शुरुआत की और आगे बढ़ाया, उसे इन चोल शासकों के द्वारा भव्यता प्रदान कर उसे चरमोत्कर्ष पर लाया गया। चोल शासकों ने न केवल स्थापत्य कला बल्कि तक्षण कला एवं चित्रकला में भी बेहतर कार्य किया। तक्षण कला यानी कि मूर्ति निर्माण शैली। आपने देखा होगा कि पल्लव वंश के जो शैली थे, कौन कौन शैली? चार वंश के नाम पे थे, कौन कौन बताइए? पहले थे आपके महेंद्र वर्मन शैली, दूसरा है नरसिंह वर्मन या फिर आप मामल्ल शैली बोल सकते हैं, मामल्ल। तीसरा कौन सा है? राजसिंह शैली, राजसिंह। और चौथा नंदी वर्मन शैली। तो आपने देखा होगा कि महेंद्र वर्मन शैली के समय ये जो खुले में कोई चट्टान या पत्थर होते थे उसको काट करके इस प्रकार से गुफा का रूप प्रदान किया जाता था, यानी कि गुफा मंदिरों का निर्माण किया जाता था। दूसरा आपने देखा होगा नरसिंह या फिर मामल्ल शैली में, इसमें क्या किया गया कि ये पत्थर जो है इसको थोड़ा और इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ नक्काशी करके एक मंदिर का निर्माण किया जाने लगा। और राजसिंह समय इनकी इस शासनकाल में क्या हो कि इसको और भव्यता प्रदान करके विमान जैसी शैली बनाई जाने लगी। लेकिन नंदी वर्मन के समय आपने देखा होगा कि ये जो पहले जहाँ पे चट्टान काट करके बनाए जाते थे, लेकिन इसमें वो नहीं किया गया, इसमें थोड़ा बदलाव किया गया कि यहाँ पर ये जो चट्टान है उसके टुकड़े को इस प्रकार से नक्काशी करके दूसरे स्थान पर, यानी कि जहाँ पे मूल पत्थर वहाँ नहीं, दूसरे स्थान पर किसी अन्य स्थान पर ला करके बड़े बड़े मंदिरों को निर्माण किया गया, जैसे कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, इसी प्रकार से अन्य मंदिर को आपने देखा था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये चिनाई करके यानी कि पत्थर को नक्काशी करके दूसरे स्थान पर ला करके उसे जोड़ करके मंदिर निर्माण करते थे। तो चोल शासकों के द्वारा यानी कि पल्लव वंश में जिससे अंत हुआ उसे ही चोल शासकों के द्वारा आगे बढ़ा दिया, यानी कि चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर निर्माण की जो शैली थी उस प्रणाली को अब छोड़ दिया गया। अब क्या किया जाने लगा, छोटे छोटे जो पत्थर थे उसे इस प्रकार से इसमें नक्काशी करके उसे जोड़ करके बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। तो ये है कुछ अंतर, आगे और भी अंतर है जिसे हम देखेंगे। ये जो चोल के जो मंदिर है इसमें पूजा स्थल का जो केंद्रीय कक्ष है उस पर काफ़ी बल दिया गया, यानी कि पूजा जब भी किया जाता था इनकी मुख्य जो मंदिर है वो हमेशा सेंटर में होता था ताकि लोग यहाँ पूजा कर सकें। इसके अलावा इसमें जो है शिखर को पिरामिड का रूप दिया जाने लगा। आप यहाँ पे देखें इस प्रकार से पिरामिड जैसा आकार यहाँ पर होने लगा। इसके अलावा मंदिरों के चारों ओर घेरकर एक चौक बनाया जाने लगा। आप यहाँ पे देखें इस प्रकार की शैली, यानी कि एक तो मंदिर हुआ और साथ में इस प्रकार से चारों तरफ घेरा बना करके एक चौक बनाया जाने लगा। इस प्रकार से आप देखेंगे जो मंदिर निर्माण शैली है, जैसे कि गंगाई कोंड चोलपुरम और तंजौर का जो मंदिर है उसमें आप ये शैली देखेंगे। इसके अलावा बात करें तो ये जो प्रवेश द्वार हुआ करता था, यानी कि चोल काल में मंदिरों का प्रवेश द्वार पर काफ़ी ध्यान दिया गया, इसका जो शैली है वो जिस प्रकार से शैली बनती थी किसका, ये विमान, यानी कि मंदिर जो मुख्य कक्ष है उसके ऊपर जिस प्रकार से जो विमान बनाई जाती थी इसी के तर्ज पर अब प्रवेश द्वार भी बनाया जाने लगा। जैसे कि आप ये जो मीनाक्षी मंदिर का प्रवेश द्वार है इसे आप देखिए, तो इसके पीछे भी आप देखेंगे तो उसी तरह से इसकी क्या है, विमान है, और उसी अनुसार उसी के तर्ज पर ये प्रवेश द्वार भी बनाया जाने लगा और इसे काफ़ी अलंकृत किया जाने लगा। जबकि आपने पल्लव वंश के समय देखा होगा कि मंदिरों को अलंकृत इस प्रकार से नहीं किया जाता था, यानी कि चित्रकला का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाता था। ये जो शासक थे इनके शक्ति का प्रदर्शन भी इससे हो जाता था, क्योंकि जो शासक सबसे ज़्यादा गेट की ऊंचाई रखेंगे उससे उसकी शक्ति का भी पता चलता था।
बाद में ये जो प्रवेश द्वार है शिखर की बराबरी भी करने लगा, जैसे कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर जैसे कि आप देख रहे हैं वाले, इसी प्रकार से तिरुचनापल्ली का श्रीरंगम मंदिर। यहाँ पे आप देखिए ये मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है उसके प्रवेश द्वार को किस प्रकार से मूर्तियों और चित्रकला से इसे भर दिया गया है प्रवेश द्वार को, जैसे कि ये जो पल्लव है उसमें आपने नहीं देखा था। इसमें जो मंदिर बनाया गया है चोल काल में, इसे भी दो वर्गों में बांटा जाता है, उसमें आपने चार देखा था, इसमें दो वर्गों में। पहला है दसवीं जो शताब्दी है उस समय तक बनाई गई मंदिर, इसमें आप देखेंगे सुंदरेश्वर मंदिर, नर्तमालय मंदिर और कदेवर मलई मंदिर। लेकिन दूसरी शैली है जो कि दसवीं शताब्दी के बाद बनाई गई, इस सदी में सबसे प्रमुख मंदिर जो है वो तंजावुर का बृहदरेश्वर मंदिर है। यह मंदिर द्रविड़ मंदिर कला शैली का एक पूर्ण विकास माना जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण शैली है द्रविड़ कला, तो उसमें आप इसे एक प्रकार से मान सकते हैं कि वो इसका पूर्ण रूप है। इसके बाद लगभग दो शताब्दी तक चोल शासकों ने संपूर्ण जो दक्षिण पूर्व एशिया है इसके अलावा श्रीलंका में कई मंदिरों का निर्माण किया। इस काल में मंदिर का आकार विशाल और इनका धार्मिक कार्यों के अलावा यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ धार्मिक कार्य बल्कि सामाजिक जैसे कि शादी विवाह, सांस्कृतिक कार्य और शैक्षणिक कार्य भी किया जाने लगा, यानी मंदिरों में शिक्षा भी प्रदान की जाने लगी। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं चोल काल के मंदिरों की। इसमें अब देखते हैं प्रमुख मंदिर जो हैं। पहला है राज राजेश्वर अथवा बृहदरेश्वर मंदिर, इसे बनाया गया था राज राज प्रथम के द्वारा और यह शैव मंदिर था, और ये कहाँ पे है तंजौर में, यानी कि तंजौर में शैव मंदिर बनाया गया किसके द्वारा, राज राज प्रथम, और नाम क्या है राज राजेश्वर अथवा बृहदरेश्वर मंदिर। यह देश का सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से चौक बनाए जाते थे, देखिए है ना, तो इस प्रकार से घेर करके चारों तरफ से चौक बनाया जाने। इस मंदिर के चार भाग, इनकी जो चार भाग है एक दूसरे से संबद्ध है, यानी कि मंदिर में चार भाग होते थे। इसके बैक साइड देखेंगे तो चार यहाँ पे ऐसे देखिए, और चारों जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते थे। इसमें कई सारे मंडप जो जैसे कि नंदी मंडप, इसके अलावा अर्धमंडप, गर्भगृह, और इस सारा जो मंदिर है वो चार दीवारी के भीतर होता था। ये जो देखिए ये पीछे देखिए आप यहाँ पे, इस प्रकार से ये चार दीवारी बनाई जाती थी। यहाँ पे मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण अंग गर्भगृह एवं शिखर होता था, शिखर ये आप देखिए, और यहाँ पे गर्भगृह इसके जस्ट नीचे होता था, जहाँ पे जो मुख्य मूर्तियाँ होती थी भगवान की या फिर शिव की आप बोल सकते हैं, तो जो मुख्य मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पे स्थापित की जाती थी, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा है गंगई कोंड चिलुपुरम, इसमें भी आप शैली को देखिए, इसमें भी लगभग सेम शैली है, उसी प्रकार से बनाई जाने लगी। इस मंदिर का निर्माण किया गया राजेंद्र चोल के द्वारा, इसकी जो शैली है वह भी तंजौर मंदिर जैसा कि पिछला आपने देखा वीडियो, ये जो स्लाइड उसमें आपने देखा होगा उसी प्रकार से ये जो मंदिर है बनाया गया। अब देखिए लगभग अंतर उतना नहीं है। ये जो मंदिर का विमान है बृहदरेश्वर की ही तरह तीन भागों में बटा हुआ है, इस प्रकार से देखिए ये एक दो और ये तीन, इस प्रकार से आगे भी देखेंगे आप यहाँ पे एक दो और तीन, तो ये जो विमान बनाया तीन भागों में बांट करके बनाया जाने लगा। इसमें मंडप के अलावा स्तंभ भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से देखिए ये स्तंभ जो पिलर होते थे। राजेंद्र चोल के उत्तराधिकारियों के समय भी मंदिर बनाए जाने लगे, यानी कि जो राजेंद्र चोल है उसके बाद भी उत्तराधिकारियों ने मंदिर निर्माण शैली को नहीं छोड़ा बल्कि धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाया ही। इन मंदिरों में ये जो दीवारों पर चित्र जोते थे और भव्य मूर्तियाँ उसे भी उत्कीर्ण किया गया, जैसे कि राजराज द्वितीय द्वारा दारा सुरमा का एरावतेश्वर मंदिर और दूसरा है कुलोत्तुंग तृतीय द्वारा कंपहेश्वर मंदिर। जैसे कि आपको बताया कि जो चोल वंश के शासक थे न सिर्फ मंदिर निर्माण शैली बल्कि मूर्तिकला और चित्रकला पर भी काफ़ी ध्यान दिया, क्योंकि ये शैव थे इसलिए अधिकांश जो मूर्तियाँ थी मंदिरों में आप देख सकते हैं वो शिव की और उनकी जो नटराज मूर्ति है उससे संबंधित होती थी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐरावतेश्वर मंदिर है ये वाली, जो कि उत्तर चोल में बनाया गया था,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐरावतेश्वर इस प्रकार के मंदिर। अब देखिए इससे भी आप देख रहे हैं, एक चार दीवारी के अंदर ये बनाया जाता था और चिनाई करके बनाया जाने लगा ये मंदिर। चोल एवं पल्लव के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखिए कुछ अंतर है। यदि पल्लव के द्वारा दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली की शुरुआत की गई तो चोलों के द्वारा इसे चरमोत्कर्ष पर लाया गया। इसी प्रकार से पल्लवों के द्वारा जिस गोपुरम की शुरुआत की गई, गोपुरम यानी कि जो विमान शैली होती थी इस प्रकार से, तो उसमें इन्होंने भव्यता ला दिया किन्होंने, चोलों ने। इसके अलावा पल्लव के समय ये जो स्तंभ होते थे वो सिंह आधार वाले होते थे, यानी कि स्तंभों में सिंह की आकृति, शेर की आकृति बनाई जाती थी। लेकिन इसमें जो है चोलों के समय ये जो स्तंभ है उसमें सादापन आना लगा, यानी कि उसमें सिंहों के स्थान पर अब उसमें चित्रकारी और नक्काशी जैसी वो जो आकृतियाँ उसने जगह ले लिया। इसी प्रकार से पल्लव काल का जो मंदिर है उसमें द्वारपाल को अब देखेंगे, आगे हम देखेंगे तस्वीर में कैसे, तो दो हाथों वाला है और सामान्य था, जबकि इस काल में जो द्वारपाल है वो चार भुजा वाला एवं भयानक है। आप इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये है पल्लव काल के जो मंदिर है उसमें, तो आप यहाँ पे देखिए ये स्तंभ है उसमें आप सिंह को देखिए, इस प्रकार से शेरों को यहाँ पर आकृति प्रदान की जाती थी, यहाँ पे देखिए है ना शेर। और इसी प्रकार से जो द्वारपाल होते थे वो दो हाथों वाले होते थे, यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे देखिए दो हाथों वाले द्वारपाल होते थे सभी में। आप देखिए सिंह वाली आकृति इस प्रकार से, लेकिन इसमें आप देखिए इसमें कहीं भी आपको सिंह वाली आकृति नहीं मिलेगी, इसमें आप देखिए सीधे और सादेपन थोड़ा बहुत नक्काशी इसमें किया जाने लगा यहाँ पे देखिए, लेकिन सिंह की आकृति आपको इसमें नहीं दिखेगी। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर उस प्रकार से मूर्तियाँ नहीं बनाई गई, यानी कि इसमें, जबकि इसमें देखिए इस प्रकार से चार हाथों वाले द्वारपाल के अलावा अन्य मूर्तियाँ भी उस समय बनाई जाने लगी। आप यहाँ पे देखिए इसमें और अंतर देखिए, इसमें कहीं भी आपको चित्रकला नहीं मिलेगा, एक सादापन है ना, लेकिन इसमें देखिए कितनी भव्यता प्रदान की गई। जैसे कि मीनाक्षी का जो मंदिर है इसमें देखिए किस प्रकार से रंगों को उकेरा गया यहाँ पे, तो चित्रकला पे इसमें काफी ध्यान दिया गया। तो ये कुछ अंतर है इसमें। तो कैसा लगा वीडियो, फीडबैक जरूर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।